हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बारे में कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। जब हम किसी व्हीकल में बैठते हैं, जैसे कि हमने कार ड्राइव करनी है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियरली मेंशन है, ये वाला ये स्टीयरिंग व्हील होता है, आप इसको क्या करते हो, रोटेट करते हो, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से होता क्या है, जो आपका व्हीकल है उसके जो व्हील्स हैं वो कुछ टर्न लेते हैं। अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया है तो क्लॉकवाइज व्हील टर्न करेंगे, अगर आपने स्टीयरिंग व्हील को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो जो ये व्हील है ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। क्लियर? तो ये होता है स्टीयरिंग मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि रैक एंड पिनियन इसके अंदर क्या रोल प्ले करता है और रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता क्या है। तो जस्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जस्ट ये डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर शो किया है आपको। तो इसमें क्या शो किया हुआ है कि एक स्टीयरिंग व्हील है, जैसे कि यू कैन सी ये वाला जो है ये स्टीयरिंग व्हील है, ये वाला आपका स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील के साथ में क्या अटैच है, ये जो रॉड आपको दिख रही है एक तरीके से, ये आपका स्टीयरिंग कॉलम है। क्या है? स्टीयरिंग कॉलम। इस स्टीयरिंग कॉलम के अंदर यू कैन सी हियर, इसके अंदर एक रॉड जैसा कुछ होगा, इसके अंदर वो है आपका स्टीयरिंग शाफ्ट, क्योंकि स्टीयरिंग शाफ्ट आपको एकदम विजिबल नहीं होती, कॉलम के अंदर स्टीयरिंग शाफ्ट होगी। क्लियर? उसके साथ में इस वाले एंड पे, इस वाले एंड पे क्या जुड़ा होगा, आपका पिनियन जुड़ा होगा, पिनियन, और पिनियन के साथ में ये है रैक। क्लियर? अब ये किस तरीके से है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये रैक और ये एक पिनियन, यही अरेंजमेंट यहाँ पर लगा होता है। क्लियर? अब ये किस तरीके से काम करता है वो भी हम देखेंगे। जो रैक होता है वो आपका एक फ्लैट पीस होता है जिसके ऊपर हेलिकल गियर कटे होते हैं एक साइड पे, एक साइड पे मींस कि ये ऊपर वाली सरफेस पे तित कटे हुए, बॉटम सरफेस पे तित नहीं कटे हुए, जो ये बॉटम सरफेस है यहाँ पर कोई तित नहीं कटा हुआ है, और जो ये तित है वो क्या है, हेलिकल गियर है, हेलिकल टाइप के तित कटे हुए हैं। क्लियर? और पिनियन क्या होता है, एक छोटे साइज का राउंड शेप में गियर होता है जिसकी पेरीफेरी पे हेलिकल गियर कटे हुए हैं, जिसको हमने बोला है पिनियन, ये जो है ये आपका पिनियन है। क्लियर? तो पिनियन क्या करता है, आपका रैक के ऊपर मूव करता है, ये इस तरीके से और इस तरीके से मूवमेंट होगा यहाँ पर। अब जो रैक एंड पिनियन हम यूज़ कर रहे हैं इस स्टीयरिंग मैकेनिज्म में, इससे हो क्या रहा है, जब आप स्टीयरिंग व्हील को, जो ये आपका ये स्टीयरिंग व्हील है, आप इस स्टीयरिंग व्हील को जब रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्टीयरिंग कॉलम या स्टीयरिंग शाफ्ट के साथ में जो क्या कनेक्ट में है, ये पिनियन कनेक्ट में है। तो जिस तरीके से आप स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करोगे उसी रेस्पेक्ट में आपका पिनियन क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये देखिए छोटा सा इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा पिनियन, उसी को मैंने एनलार्ज करके यहाँ पर आपको दिखाया है। क्लियर? तो अगर आपने जितना आपने स्टीयरिंग व्हील को घुमाया उस रेस्पेक्ट में क्या होगा, आपका पिनियन मूव करेगा। पिनियन रोटेटरी मोशन की तरह मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, लेकिन जो रैक है वो क्या है, फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट पीस है जिसपे कि हेलिकल तित कटे हुए हैं। तो आपको मोशन क्या मिलेगा, कन्वर्ट होके मिलेगा, लीनियर मोशन मिलेगा। जो पिनियन है वो रोटेटरी मोशन दे रहा है, लेकिन जो रोटेटरी मोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर पिनियन के थ्रू लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये मैंने अभी तक आपको समझाया है रैक एंड पिनियन क्या होता है। जस्ट मैंने यहाँ पर थ्योरी भी मेंशन करी है कि रैक एंड पिनियन क्या हो गया, कि दो गियर है जो कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म में हमने यूज़ किया है। पर्पस क्या है, रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना। क्लियर? एंड पूरी जो भी मैंने आपको भी बोला है वो मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड में लिखा हुआ है, तो आप अपने नोट्स में ईजीली लिख सकते हो। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, जो पिनियन है वो रोटेट करेगा, तो रैक क्या करेगी, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं कि रैक के साथ में क्या लगा होता है और पिनियन के साथ में क्या होता है। तो इससे पहले एक और चीज़ देख लो, जो रैक होती है वो स्टील या एल्यूमिनियम की बनी होती है, और जो पिनियन होता है वो आपका जनरली स्टील का बना होता है, स्टील में भी आपका माइल्ड स्टील का बना होता है या फिर एल्यूमिनियम का भी बना होता है। तो जो रैक क्या होता है और पिनियन क्या होता है, जो मैंने आपको भी समझाया है, वही मैंने नोट्स यहाँ पर आपको शो कर दिया है, तो आप पोस्ट करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि और कौन कौन से पार्ट होते हैं इस स्टीयरिंग मैकेनिज्म के अंदर। इसके अंदर और भी मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि है टाई रोड, टाई रोड एंड्स बोल दो या टाई रोड बोल दो। वो क्या होता है कि जस्ट आपका ये वाला पोर्शन और आपका ये वाला पोर्शन, जो इस तरह की जो दो रोड है उसे हमने बोला है टाई रोड, जिसका एक एंड आपका
रैक के थ्रू कनेक्ट होगा। ये वाली रैक है, मैं आपको बड़े वाले डायग्राम में इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो आपका एक टाई रॉड है, और ये भी क्या है, एक टाई रॉड है। ये टाई रॉड क्या करता है, जो पिनियन के थ्रू रोटरी मोशन रैक में कन्वर्ट हुआ लीनियर मोशन में, उसी लीनियर मोशन को टाई रॉड क्या करती है, आगे कैरी फॉरवर्ड करती है ताकि हमारे व्हील उस रेस्पेक्ट में रोटेट करे, एंगल टर्न करे। क्लियर? तो ये टाई रॉड का जो एक एंड होता है, मतलब कि ये वाला एंड की अगर मैं बात करूँ, तो ये बॉल जॉइंट के थ्रू आपका रैक के थ्रू जुड़ा होता है। ये देखिए, ये बॉल जॉइंट के थ्रू रैक से जुड़ा होता है। और जो दूसरा एंड होता है, दूसरा एंड कौन सा वाला, ये वाला दूसरा एंड, एक एंड ये वाला और एक एंड ये वाला, ये दो जो एंड है, जो दूसरे वाले एंड है जिसे हम आउटर टाई रॉड एंड बोलते हैं, वो आपका नकल के थ्रू जुड़ा होता है, नकल से जुड़ा होता है। नकल क्या होता है आपका, जो ये आपको ये पीस दिख रहा है, ये आपका है नकल। क्लियर? तो ये नकल क्या करता है, जो आपका व्हील है, व्हील बोलो या हब बोलो, उस व्हील से जुड़ा होता है। तो जो भी आपका लीनियर मोशन है वो व्हील तक पहुंच रहा है, जिससे कि व्हील क्या करेगा, एंगल लेफ्ट या राइट टर्न करेगा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि आपका व्हील या तो इस डायरेक्शन में टर्न करेगा या फिर आपका व्हील इस डायरेक्शन में टर्न करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो स्टीयरिंग व्हील है, जो आपका ये स्टीयरिंग व्हील है, आपने उसको हैंडल अपने हैंड के थ्रू किस तरीके से ऑपरेट किया है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, जस्ट आपका स्टीयरिंग व्हील है, उसके साथ स्टीयरिंग शाफ्ट लगी हुई है, कॉलम के अंदर स्टीयरिंग शाफ्ट है, उसमें आपका पिनियन और रैक लगा हुआ है। पिनियन के थ्रू रोटेटरी मोशन मिल रहा है स्टीयरिंग व्हील के थ्रू, तो वो पिनियन क्या कर रहा है, रैक से लीनियर मोशन को ट्रांसफ़र कर रहा है रैक के थ्रू। और फिर हमारी ये टाई रॉड्स लगी होती है, इनर टाई रॉड जो होती है वो आपकी बॉल जॉइंट के थ्रू आपका रैक से कनेक्ट होता है, और जो आपकी आउटर टाई रॉड होती है वो आपकी नकल से कनेक्ट होती है। और जो नकल होता है वो क्या करता है, जो मोशन है, जो लीनियर मोशन हमें मिल रहा है, उसको व्हील तक पहुंचाता है, जिससे कि व्हील हमारा लेफ्ट एंड राइट मूव करता है। तो ये होता है स्टीयरिंग मैकेनिज्म रैक एंड पिनियन टाइप का। क्लियर? अब इसमें आगे हम समझते हैं कि स्टीयरिंग रेशियो भी एक टर्म होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग मैकेनिज्म को डिज़ाइन करते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो कि होता है स्टीयरिंग रेशियो। स्टीयरिंग रेशियो के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन, कि आपने जो मूव किया है आपका स्टीयरिंग व्हील, वो आपने किस तरीके से मूव किया है, कितना मूव किया है। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर कि कितना रोटेट किया है आपने। जैसे कि एक डायग्राम शो कर रही हूँ मैं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक स्टीयरिंग व्हील शो किया है। अब मैंने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया, उसको मैंने बोल दिया ओ पॉइंट। तो ओ पॉइंट से लेकर मैं इसको अगर इस डायरेक्शन में घुमाऊँ और फिर से मैं ओ पॉइंट तक लेकर आ जाऊँ, तो मतलब कि स्टीयरिंग व्हील ने क्या किया है, वन कंप्लीट रोटेशन किया है। तो वन कंप्लीट रोटेशन मतलब कि 360 डिग्री उसने डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, तो 360 डिग्री रोटेट करने पर स्टीयरिंग व्हील के जो हमारा टायर है, जो हमारा व्हील है, उसने कितना एंगल कवर किया है। एक पैरामीटर तो हमें रिक्वायरमेंट है ये वाली, और एक पैरामीटर है कितना एंगल उसने कन्वर्ट किया है। इन दो पैरामीटर का रेशियो होता है आपका स्टीयरिंग रेशियो, मतलब कि वन डिवाइडेड बाय अगर मैं टू कर दूँ तो वो क्या होगा, स्टीयरिंग रेशियो होगा। तो इसी को मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है यहाँ पर कि स्टीयरिंग रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ द स्टीयरिंग टर्न टू द व्हील टर्न। ठीक है, आपका व्हील कितना टर्न कर रहा है वो नीचे आएगा, और स्टीयरिंग कितना घुमाया आपने वो ऊपर की तरफ आएगा। और एग्जांपल भी दिया है मैंने यहाँ पर कि इफ़ वन कंप्लीट रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, मतलब कि 360 डिग्री रिजल्ट्स इन द व्हील्स ऑफ द कार टर्निंग 30 डिग्री। मतलब यहाँ पर मैंने क्या माना है, एज्यूम किया है कि आपने पूरा एक रोटेशन दिया है आपने स्टीयरिंग व्हील को, तो आपका जो टायर है वो 30 डिग्री से मूव किया है। अगर आपने क्लॉकवाइज में किया है तो टायर क्लॉकवाइज में मूव करेगा, अगर आपने स्टीयरिंग व्हील को एंटी क्लॉकवाइज किया है तो आपका जो व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इस हिसाब से अगर हम रेशियो निकालें स्टीयरिंग रेशियो, तो क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 30। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 12/1। तो ये होता है स्टीयरिंग रेशियो। अब स्टीयरिंग रेशियो ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, तो ऑब्वियसली अगर स्टीयरिंग रेशियो हमारा ज़्यादा होगा, स्टीयरिंग रेशियो ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये स्टीयरिंग है आपने उसको क्या किया है, ज़्यादा बार रोटेट किया है। आप एक बार इसको रोटेट कर रहे हो, फिर आप दूसरी बार इसको फिर रोटेट कर रहे हो, मतलब ज़्यादा रोटेट करने पर आपके यहाँ पर
एंगल चेंज हो रहा है, तो हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब कि हमें स्ट्रेट ही गाड़ी चलानी है, बहुत बार हमें टर्न्स लेने पड़ते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो हम स्टीयरिंग व्हील्स को अगर इतना ज़्यादा घुमाएंगे तो हमारी की स्टेबिलिटी जो होती है, जो ड्राइवर की स्टेबिलिटी होती है गाड़ी चलाने में, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा स्टीयरिंग रेशियो अच्छा नहीं है, स्टीयरिंग रेशियो कम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका स्टीयरिंग रेशियो आ रहा है, मतलब कि आपके जो स्टीयरिंग है वो लेस रिस्पॉन्सिव है। क्लियर, समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, हायर द स्टीयरिंग रेशियो लेस रेस्पॉन्सिव इज़ द स्टीयरिंग। क्लियर। अब एक और टर्म आती है जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पिनियन का साइज़ है वो क्या रखें। तो उसी पे मैंने एक थोड़ा सा स्लाइड ऐड कर लिया यहाँ पर कि साइज़ ऑफ पिनियन गियर। पिनियन गियर कहाँ पे? जो यहाँ पर आपकी जो स्टीयरिंग कॉलम, एक मिनट, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि साइज़ ऑफ पिनियन गियर। साइज़ ऑफ पिनियन गियर के लिए हम क्या देखेंगे, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला डायग्राम, इसमें क्या है, स्टीयरिंग व्हील, ये वाली स्टीयरिंग शाफ्ट, इसके अंदर क्या, किसके अंदर लगी हुई है, स्टीयरिंग कॉलम के अंदर लगी हुई है, जिसके थ्रू आपका रैक एंड पिनियन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, पिनियन, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, इस तरह से लगा हुआ है। डायग्राम छोटा है इसलिए मैंने एक और व्यू यहाँ पर लगा दिया है। तो अब ये पिनियन जो हम यूज़ करते हैं उसका साइज़ हम छोटा रखें या थोड़ा बड़ी साइज़ का रखें, हम किस तरह से उसको रखें, अगर हम उसका साइज़ चेंज करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है सिस्टम में, वो हम देखेंगे, और हमें क्या रखना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो जो साइज़ होती है पिनियन गियर की, वो डिसाइड करती है कि आपकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी व्हीकल को ड्राइव करते टाइम, और एक तरीके से स्टीयरिंग एफिशिएंसी बताता है कि अच्छी है या ख़राब है। क्लियर। तो फर्स्ट बात करेंगे हम, जब हम छोटा स्टीयरिंग लेते हैं, जब हम स्मॉल साइज़ का, सॉरी, जब हम छोटा पिनियन लेते हैं, स्मॉल साइज़ का जब पिनियन लेंगे तो क्या होगा, अगर जो यहाँ पर पिनियन यूज़ किया गया है ये स्मॉल साइज़ का होगा, तो जब आप स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करोगे लेफ़्ट या राइट, तो अगर छोटी साइज़ का पिनियन होगा तो वो जल्दी से घूम जाएगा। जल्दी से घूम जाएगा मतलब कि वो जो घूमा है, रोटेटरी मोशन जो उसने किया है, उसकी वजह से रैक हमें क्या करके दे देगा, लीनियर मोशन दे देगा, एंड टाई रोड और नकल क्या करेगी, उसको व्हील तक ट्रांसफ़र कर देगी। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका स्टीयरिंग व्हील आपने घुमाया, तो आपका जो छोटा, अगर आपने यहाँ पर जो पिनियन यूज़ किया है, तो आपको उसको घुमाना ईजी रहेगा। तो मतलब आपको यहाँ पर बहुत बार स्टीयरिंग व्हील को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा भी स्टीयरिंग व्हील घुमाया तो आपका पिनियन क्या होगा, मूव करेगा, ज़्यादा चलेगा। अगर इसी जगह अगर मैं बात करूँ कि पिनियन की साइज़ को मैं एनलार्ज कर दूँ, सपोज़ करो कि पहले आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपने 10 सेंटीमीटर डाया का पिनियन लिया था तो उसको रोटेट करना ईजी था, अब आपने 30 सेंटीमीटर डाया का पिनियन यूज़ कर लिया, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का सपोज़ करो कि आपने जो स्टीयरिंग व्हील है उसको आपने 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन दिया, उससे क्या हुआ, आपका जो छोटी साइज़ का जो 10 सेंटीमीटर डाया का पिनियन है उसने पूरा एक राउंड कवर कर लिया, या पूरे 2-3 राउंड कवर कर लिए मान लो। लेकिन इसी जगह अगर मैं बड़ी साइज़ का पिनियन काम में लूँगी तो वो क्या करेगा, कम घूमेगा, कम घूमेगा तो हमें लीनियर मोशन रैक पे भी क्या होगा, कम मिलेगा, तो हमारा फाइनल जो व्हील है हमारा, जो हमारे फ्रंट व्हील्स है, वो भी क्या होंगे, कम मूव करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो पिनियन है वो छोटी साइज़ का होना चाहिए, उससे क्या होगा, स्टीयरिंग रेशियो आपका कम रहेगा। स्टीयरिंग रेशियो कम का मतलब क्या होगा, आपको जो ये स्टीयरिंग व्हील है वो आपको थोड़ा कम घुमाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको उसको गोल गोल नहीं घुमाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। क्लियर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए कि अगर आप स्मॉल साइज़ का पिनियन लेते हो तो क्या होता है, व्हीकल स्टेबिलिटी इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब कि आपका स्टीयरिंग रेशियो से ही मीनिंग है। क्लियर। अगर आप लार्ज साइज़ का पिनियन यूज़ करते हो तो क्या होगा, स्टीयरिंग रेशियो ज़्यादा होगा, जिससे कि क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गियर रिडक्शन। तो गियर रिडक्शन और कुछ नहीं है, जब आप लार्ज साइज़ का पिनियन यूज़ करते हो तो आपका जो स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसे हम गियर रिडक्शन बोलते हैं। तो हमें क्या यूज़ करना है, स्मॉल साइज़ का पिनियन हमें यूज़ करना है, वो हमारे लिए अच्छा है, उससे व्हीकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, स्टीयरिंग रेशियो कम होता है। स्टीयरिंग रेशियो कम का मतलब आपको जो ये स्टीयरिंग व्हील है बहुत ज़्यादा बार रोटेट नहीं करना है। क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं।
देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है। इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो जो भी आपकी जो छोटी कार्स होती है जैसे कि अल्टो, वेगनार, स्विफ्ट डिज़ायर, i10, इनमें ये यूज़ होता है। जो मारुति आपकी 800 है उसमें भी ये यूज़ होता है। स्मॉल साइज़ की जो ट्रक्स है उसमें यूज़ होगा। SUVs में भी ये यूज़ होता है और हिंदुस्तान एम्बेसडर मार्क 2 इसमें भी ये यूज़ होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन से और भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिए, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। इससे पहले जो हम स्टीयरिंग सिस्टम यूज़ करते थे व्हीकल में वो था रीसर्कुलेटिंग बॉल टाइप। तो उससे अगर कंपेयर करें तो इसका कंस्ट्रक्शन ईजी है, इकोनॉमिकल है, मैन्युफैक्चर करना इजी, क्योंकि इसमें क्या है पार्ट्स कम है, बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट्स नहीं कि हमें बहुत मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगे, सिंपल है। इसको ऑपरेट करना भी इजी है एंड एक्यूरेसी इसकी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो पहले हम यूज़ करते थे रीसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। और इसमें जो रैक का ट्रेवल है, जितना हम स्टीयरिंग व्हील घुमाएंगे पिनियन उतना मूव करेगा, तो रैक का ट्रेवल भी क्या होगा उसी अकॉर्डिंग मूव करेगा, और जितना रैक मूव करेगा लीनियर डायरेक्शन में उसी हिसाब से आपका स्टीयरिंग एंगल डिसाइड होगा, क्लियर। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस क्या बोल सकते हो आप कि यहाँ पे हम रैक यूज़ कर रहे हैं, पिनियन यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या मैकेनिकल डिवाइसेज ही है, तो यहाँ पर वियर होगा और बैकलेश की प्रॉब्लम भी रहेगी। बैकलेश क्या होता है, एक तरीके से जो रैक एंड पिनियन हमने यूज़ किया है जो उसके तिथ जहाँ पे मैट करते हैं, मैटिंग पार्टी है रैक एंड पिनियन, तो जो उनका जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहेगा, तो उससे क्या होता है आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है सिस्टम की। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेजेस की कैटेगरी में आएगा। एक होता है आपका लिमिटेड लोड कैपेसिटी। रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है, लिमिटेशन है। जब आप हैवी लोड की बात करते हो कि आपको हैवी लोड हैंडल करना है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स होती है, तो उसके अंदर आप ये सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। ये इतना रोबस्ट नहीं है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा वेट वो कैरी कर सके, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्टीयरिंग परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी पर आपका इफ़ेक्ट करेगा। तो जो छोटे साइज़ की ट्रक्स है या फिर जो आपका जहाँ पे वेट को कम कैरी करना है, जहाँ पे स्ट्रेस कम है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग सिस्टम। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।